चैनल, स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम की बहुत ही सिंपल मगर बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो बिना तामझाम के, बिना किसी कठिनाई के बहुत ही आसानी से घर में हम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इधर लिया है मैंने एक मिक्सिंग बॉल और इसमें डालूँगी कटे हुए मशरूम, एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च, इसको मैंने स्क्वायर में ऐसा कट किया है, और प्याज बड़े साइज का चंक्स में कट किया है मैंने, और एक मीडियम साइज का टमाटर, इसको भी मैंने चंक्स में ही कट किया है, इसको हम डालेंगे। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे इसमें, सॉल्ट डालेंगे, और डालेंगे दही, और इसको मैरिनेट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मैंने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है, इसको रखते हैं साइड में और अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इधर मैंने एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम किया है और उसमें डालूंगी 1 टीस्पून के जितना जीरा, जीरा को कड़कने देंगे। और अभी डालूंगी एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, ट्रांसपेरेंट होने तक इसको भून लेंगे। प्याज अभी ट्रांसपेरेंट हो चुका है, इसी स्टेज पे डालेंगे 2 मीडियम साइज की टमाटर की प्यूरी, इसको भी भूनेंगे। और इसी में ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, भून लेंगे अच्छे से। टमाटर भी अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, और इसी स्टेज पे डालेंगे 2 स्लिट की हुई ग्रीन चिली और थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी मैरिनेशन में भी नमक का यूज़ किया है। और अभी डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ मशरूम, मिक्स कर देंगे मसालों के साथ में अच्छे से। और इसको कवर करके 5 मिनट तक इसको पकाएंगे मीडियम आग पे। अभी 5 मिनट हो चुके हैं और सब्जी में देखिए काफ़ी पानी छूट चुका है, इसी पानी में मशरूम और सब्जियां पक जाएंगी, हमको अलग से पानी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। वापस हम ढक करके 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं और सब्जी को हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए पूरी तरह से पक चुका है सब्जी, कलर भी कितना अच्छा दिख रहा है इसका। इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और गैस को बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारी मशरूम की एक अलग तरीके से बनाई हुई सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। गार्निश करेंगे थोड़ा सा धनिया के साथ में, ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है और बहुत ही झटपट बन करके तैयार होती है। आपने देखा, ये रेसिपी को आप बनाएं अपने घर में, एंजॉय करें इसको, नान कुलचा चपाती या राइस किसी के साथ भी बना करके एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एक नई रेसिपी के साथ।